हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए फिर एक पाउच लेकर आई हूँ। और ये पाउच मल्टीपर्पज़ पाउच है, आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे तो मैंने बच्चों के लिए बनाया है, जैसे आप देख ही रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन। और ये पोटली स्टाइल में बनाया गया है, इतना तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। इसमें बस एक फुल वन पॉकेट है और इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे तो ये हमारा कछुआ तैयार हो जाएगा। और इसके आगे क्या बताऊँ, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का पाउच बनाने के लिए सामान चाहिए 9x9 के 2 पीस क्विल्टेड, 9x9 के 2 पीस लाइनिंग, 18 इंच 2 पीस डोरी, ब्लैक फेल्ट फैब्रिक, फैब्रिक 2, गुलियाइस 2। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दोनों क्विल्टेड पीस और इसमें एक शेप ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9x9 का एक पीस है, एक पीस ये है, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जस्ट हाफ करेंगे, सेंटर निकालेंगे किसी भी के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर पीस है। और इसको हम यहाँ से इस तरह से एक शेप दे देंगे, कोई भी एक इस तरह से गोल शेप एक साइड में देंगे। इसको डबल करेंगे और सिंपल सा कट कर देंगे। ये हमारे पास एक शेप आ गया है, इसी शेप को हमें इस पर भी कट करना है। इसको इस तरह से रखेंगे और कट कर देंगे। ये हो गई हमारी कटिंग। अब इसके बाद हम फेल्ट पीस लेंगे। फेल्ट पीस में मैंने यहाँ पर एक शेप इस तरह से दे रखा है, वाइट पे रखा है, आप देखेंगे साइज एक है। बस इसमें हमने यहाँ पे हल्का सा डक दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम कछुआ बनाने जा रहे हैं और ये उसके लेग हैं। तो ये मैंने 4 लेग बनाए हैं एक शेप में, और बहुत आसान है इसको बनाना। आप बच्चों की कॉमिक बुक में या अल्फाबेट वाली बुक में भी डिफॉल्ट आर्टाइज उसमें देख करके भी इसको ड्रा कर सकते हैं या कार्टून से निकाल सकते हैं। तो बस ये एक शेप इसका अलग सा है, बाकी ये 4 एक जैसे हैं। तो अब इनको हम लगाएंगे। सबसे पहले किसी एक पीस में इसको लगा देंगे सेंटर पे, सेंटर निकालेंगे, ये हमारा सेंटर है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। इसको लगाने के बाद ये जो हमने लेग्स तैयार किए थे इनको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे अंदर की तरफ करते हुए। 2 ऊपर लगाएंगे और 2 नीचे लगाएंगे। इसको इस तरह से देखना है कि ये सीधा होने पर इस तरह से डाउन पोजीशन में आना चाहिए। ये इस तरह से लगेंगे, इसको यहाँ पर हम पलट देंगे, इसको यहाँ पलट देंगे, इसको यहाँ पलट देंगे, इसको यहाँ पलट देंगे। और इस तरह से पलटने के बाद अब इस पर किनारे हम मशीन चला देंगे। इसको सिलने के बाद एक लाइनिंग का पीस लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, जो 9 इंच का एरिया है उस पर जोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। दूसरे पीस में भी लाइनिंग लगा देंगे। इसको सीधा करेंगे, इसको इसके ऊपर दोनों सारे सीधे पीस अंदर कर देंगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर जब ये जो जोड़ हमने यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ ये इस जोड़ से हमें यहाँ पर
करीब 1 इंच का मार्जिन दे करके सिलाई रखनी होगी। इसका सेंटर निकाल लेते हैं, ये सेंटर है, सेंटर निकाल के इसको छोड़ दीजिए। ये 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखिए और यहाँ से पूरी मशीन इसको शेप ले लीजिए इसका, इस तरह से। ये शेप ले लिया हमने और ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर लिया है, यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए इसको हम यहाँ लाएंगे, यहाँ से ला करके और इस 1 इंच के मार्जिन पर डबल मशीन लगा के छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसको हम पूरा पैक कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस बराबर होने चाहिए, तो जो क्विल्टेड पीस है पहले हम उसको यहाँ से जोड़ देंगे। यहाँ पर भी डबल मशीन रहेगी, कॉर्नर से कॉर्नर मिला दीजिए और दो साइड में सिल दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो क्विल्टेड पीस है वहाँ पर मैंने डबल मशीन चलाई है और अभी ये जो 1 इंच का मार्जिन मैंने बताया था वहाँ पर मैंने मशीन नहीं चलाई है। अभी जो 1 इंच का मार्जिन है यहाँ पर, यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए मैं इसको शेप दूँगी और अभी एक साइड में खुला छोड़ दूँगी क्योंकि इसको हमें सीधा भी करना है। यहाँ पर डबल मशीन चलाया, थोड़ा सा मोड़ने के बाद थोड़ा सा स्पेस देते हुए, ये यहाँ पे करीब मैंने 4 उंगल का स्पेस दे दिया है। यहाँ पे डबल मशीन चलाई है, अब यहाँ से यहाँ लाऊंगी फिर डबल मशीन चलाऊंगी। जितना ये एक्स्ट्रा है इसको सिलाई के बाहर से कट कर देंगे। अब इसको यहाँ से सीधा करेंगे, यहाँ पर जो सिलाई छोड़ी थी। और इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे। जहाँ से पलटा था 4 उंगल का गैप दिया था वहाँ से इसको शेप देते हुए सिलाई कर देंगे। अब इसको हम अंदर करेंगे। इस कपड़े के कॉर्नर को ये जो नोक बना हुआ है इससे मिला देना है। जो हमने यहाँ पर 1 इंच का गैप रखवाया था तो यहाँ पर हमारे पास एक होल आ गया है, इसको हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को बाहर निकालेंगे, बराबर से प्रेस करेंगे। इस तरह से ये इसकी लाइनिंग आनी चाहिए और यहाँ पर ये इसका ये होल है। जब हम इसमें डोरी डालेंगे, अभी हमको डोरी डालना बाकी है, तो डोरी हमारी यहाँ से पड़ेगी इसमें से। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसको बराबर से रखते हुए ये जो मशीन, ये क्विल्टेड पीस और ये जो लाइनिंग का पीस हमें दिखाई दे रहा है इस पर हमें मशीन चलानी है और इसको हमें यहाँ कर देना है इस तरह से। और बहुत सफाई के साथ मशीन चलाएंगे। से तैयार हुआ। अब इसकी ये जो गर्दन है, ये जो हमने सिलाई कर दी है, इस सिलाई के साथ इसे हमें फिर से दबाना होगा। इसको यहाँ पर आराम से पलटेंगे और इसको यहाँ पर मशीन चला देंगे। यहाँ
यहाँ पर हमारा मशीन का काम खत्म हो गया है। जितने धागे वगैरह हैं उनको हम कट करके फिनिशिंग दे देंगे। ये कुछ अभी इस तरह से शेप तैयार हुआ है। और अब हमें यहाँ जरूरत है उंगली आइस की, डोरी की, एक सेफ्टी पिन की और फैब्रिक ग्लू की। तो सबसे पहले हम डोरी डालेंगे। डोरी ये क्राफ्ट की शॉप पर आपको मिल जाएगी, इसको जूट डोरी बोलते हैं। ये क्राफ्ट में काम आती है, कई तरह के आइटम बनते हैं इससे। और अगर आपको ये ना मिले तो आप इसमें कपड़े की डोरी भी डाल सकते हैं। तो डोरी इसमें बहुत बड़ी नहीं डालनी है, जितना बड़ा है ये पीस उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। दो डोरी हमें चाहिए होगी। सेफ्टी पिन की मदद से इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर ये जो 1 इंच का मार्जिन दिया था होल है वहाँ पर, वहाँ से डोरी इसको हम पास कर देंगे। और इसमें से जो कटिंग हमारे पास निकली थी उसको हम इसके साथ लगा देंगे तो यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगी। डोरी हमने छोटी ली है, छोटी इसलिए ली है ताकि पाउच का अपना एक शेप साइज बना रहे। इसके लिए ये जो हमने कटिंग क्विल्टेड पीस से काटी थी इसको लेंगे। छोटे पीस में इसको तैयार कर लेंगे। एक साथ दो पीस तैयार कर लेते हैं, आगे भी दूसरी तरफ भी डोरी में लगाने के काम आ जाएगा। ये हमारे पास 4 पीस क्विल्टेड पीस के तैयार हो गए हैं। दो लेंगे और डोरी में नॉट लगाते हुए, जिससे कि सिलाई करते समय ये उसी में फंस जाए एकदम। ये देखिए ये नॉट लगा दी हमने और अब इसको इस यहाँ रखेंगे। सीधे पीस के अंदर क्विल्टेड पीस दोनों उल्टे रहेंगे और इसको 3 साइड से सिल देंगे डबल मशीन चलाते हुए। डोरी खींचेंगे ये सीधा हो जाएगा और यहाँ पर इसको फिनिशिंग दे देंगे। सेम प्रोसीजर में दूसरी डोरी भी हम इधर डालेंगे। और इस तरह से ये हमने दूसरी तरफ भी फुन्ना डाल दिया है, ये कंप्लीट हो गया है। और अब इसमें हम गूगली आई लगाएंगे। तो गूगली आई हम इसमें फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाएंगे। और ये हमारा पाउच कंप्लीट हो गया है इस तरह से। ये देखिए पूरा टॉर्टोइज हमारा बनके तैयार है। ये आप गिफ्ट में भी दे सकते हैं, बर्थडे पार्टी में भी दे सकते हैं, समर वेकेशन है बच्चों के लिए इसमें गिफ्ट ले जा सकते हैं, या बच्चों के खाने पीने का सामान रख के भी उनको कैरी करने के लिए दे सकते हैं। आप अपना सामान भी रख सकते हैं, आप इसके अंदर
फाइबर फिल करके इसको आप शो पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा पाउच, छोटा सा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।